हम चौकीदार को काम पे रखे थे, साला वो चौकीदार ही चोर है। नाम बोलो उसका। मोदी। पूरा नाम बोल। पूरा नाम नहीं पता। रहता कहाँ है? रहता वो सामने बड़ा वाला बिल्डिंग में, संसद भवन में। तो उसने बोला कि उसने चोरी की? नहीं, वो बोलता है हम चौकीदार हूँ। उसका फोटो निकाल। डिट्टो ऐसा ही है। बहुत बड़ा बड़ा फेंकता है। नो नो। इधरा 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 आगे स्वाद। भाई साहब। ये भाई, वो हमारा बहुत जरूरी सामान चोरी हो गया है। तू कोई टाटा बिरला है क्या? है अगर हम पुलिस वाले सबका सामान ढूंढ के दे देंगे तो मार्केट में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? सही बात। हमारे घर का सामान नहीं था वो। फिर किसका था? अरे अब आपको कैसे बताएं हम, एक सुंदर सा लड़की ने आज हमारा दिल चोरी कर लिया है। और आप वो लड़की को जानते हो? अच्छा, तो किसने चोरी किया? आपकी बेटी ने। सॉरी। चोली में क्या है? इसकी शादी करा दीजिए, इसका पादना बंद हो जाएगा। हे भगवान, इस पदोड़े से कौन शादी करेगा? कौन शादी करेगा इस पदोड़े से? भगवान, आप शादी करेंगी? नहीं, मैं पाद नहीं मारती। आपको नहीं आती? नहीं। आप करेंगे इसे शादी? नहीं, मेरे चार पति हैं। आपके चार पति हैं? ओए भोले। राजकुमारी, आप करेंगे इस पदोड़े से शादी? मेरे साथ अन्याय हुआ। राजमाता शिवगामी के सामने पाद मारने वाली देवसेना पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। अवश्य। देवसेना, तुमने मम्मी जी के सामने पाद क्यों मारी? रात को आलू गोभी की सब्जी बनी थी और मैंने गलती से दो पूड़ी ज्यादा खा ली। अब पाद निकल गई तो उसमें मैं क्या करूं? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो। बाहुबली, बाहुबली जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ ना। क्या बताऊंगा? बताओ ना, थोड़ा सा बताओ तो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं और मम्मी जी रसोई में खाना बना रहे थे। रात को मैंने आलू और गोभी की सब्जी ज्यादा खा ली थी, इसलिए मेरी गलती से पाद निकल गई और मेरी पाद सुनकर मम्मी जी बेहोश हो गई। गलत किया देवसेना। जहरीली पाद मारकर लोगों को बेहोश करना बुरी बात है। चल हाथ।